too high. Yalla madad. Oh. Oh. ये है कराची का बहरिया टाउन और आज हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर लैंड। वहाँ पे हम लोग आज कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ जाके क्या एडवेंचर करेंगे। ये है जी एडवेंचर लैंड बहरिया टाउन कराची में। इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। जी बॉयज, अभी मैं आ गया हूँ एडवेंचर लैंड बहरिया टाउन कराची में। बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और एक तो हर जगह पे गाने चल रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल हो रही है। कि मैंने लिए हैं टिकट्स 3,000 रुपया पर पर्सन यहाँ पे टिकट है और 3,000 रुपया आप ले के अंदर एंटर हो सकते हैं। पर पर्सन अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे तो उनका 2,500 रुपये। 3,000 रुपये में अब आप, ये इतना बड़ा है, जितने मर्जी झूले लें, ट्रेन पर बैठें, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग करें, यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे आके आप फुल फैमिली के साथ इन्जॉय करें। बस ये है कि आपको 3,000 रुपये का स्टार्टिंग में टिकट लेना पड़ेगा। अंदर KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, पिज़्ज़ा हट भी है, सब कुछ अंदर ही है। आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, इसलिए इतना रश नहीं है। सामने चल रही है बोर्ड, इस पर बैठी हुई है फैमिलीज वगैरह, तो इस बोर्ड पर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं वेट और जब कोई बोर्ड खाली होगी, खाली तो हो रही है, वो भी एक खाली है और एक वो भी खाली है, दो बोर्ड खाली है, ये भी और वो भी। बस ये बोर्ड अभी यहाँ पे लगेगी और फिर हम यहाँ पे बैठेंगे और देन इसकी राइड को एंजॉय करते हैं। बोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं और ये यहाँ पे पानी मारने के लिए भी शायद है या किस लिए। हाँ जी, ये देखें जी, यहाँ से आप पानी जा रहा है। अच्छा जी, बोट की राइड जो है वो तो हमने कर ली है। सामने एक झूला, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो ये है स्लाइड पानी वाली, ये सारा आप लोग इसके अंदर घूम के इन द एंड नीचे पानी है उस पर चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो है वो बच्चे वगैरह ज़्यादा हैं। हम लोग आगे चेक करते हैं सरफेस स्पॉट, ये भी पानी है यहाँ पर। यहाँ पे जो पूल वगैरह ना, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे ही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आगे झूलों की तरफ चलते हैं और वहाँ पे झूलों की राइड जो है वो एंजॉय करते हैं। ट्रेन का एक स्टेशन बना हुआ है छोटा सा, इस स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं और वो देखें, वो सामने से ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन पे अभी हम लोग बैठेंगे और उसके बाद पूरे एडवेंचर लैंड का चक्कर लगाते हैं ट्रेन के ऊपर और फिर डिसाइड करेंगे कौन से झूले कहाँ पर हैं और हमें किस झूले पे बैठना है। ट्रेन पे बैठ गया हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ना पूरा मैप बना हुआ है, तो अगर आप ट्रेन पे सफ़र नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप मैप्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये इंडस वैली है, इस साइड पे बोरी और फिर दरमियान में आगे वो देखें वहाँ पे ये डाइनो लैंड है और उसके बाद बस ये झूलों की सारी लोकेशन है। हमारे वाले जो डेंजरस झूले हैं, एक ये रहा, उसके बाद एक ये है, एक ये है, दैन उसके बाद एक ये है। ये है जी ड्रॉपर, ये नीचे छोड़ गए, पर अभी नीचे छोड़ेगा। ये देखिए, अभी इस पर भी बैठते हैं, इसके ऊपर भी अभी हम लोग बैठते हैं। और ये है रोलर कोस्टर, वहाँ पे डॉजिंग कार है। बस अब हम लोग बैठने लगे हैं इस ड्रॉपर पे और देखते हैं क्या सीन है।
अच्छा जी, आ चुके हैं ड्रॉपर पे और अब देखते हैं क्या सीन होता है। सेकंड के लिए तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था दिल निकल गया। इट्स टू डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक, चक्कर आ गया एक दफा। अब हम लोग जा रहे हैं रोलर कोस्टर पे और देखते हैं रोलर कोस्टर पे कितना मजा आता है। फिर से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा GoPro से। लेट्स राइड रोलर कोस्टर नाउ। अच्छा जी, रोलर कोस्टर की जो राइड है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं। आज के बाद मेरी तौबा। भाईजान रोलर कोस्टर पे ना बैठा शदीद डेंजरस, शदीद मैं बता नहीं सकता। मैं बस सोच रहा था कब इसकी राइड ख़त्म हो, बहुत ख़तरनाक, बड़ी मुश्किलों से जो है वो मैंने राइड की है। डॉजिंग कार में तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, अब इसकी राइड शायद ना ही लें क्योंकि चार पांच डॉजिंग कार हैं और लाइन आप है, बहुत दबाव है। डॉजिंग कार पे नहीं बैठ रहे क्योंकि एक तो रश बहुत है, बिल्कुल बच्चों के लिए छोटी सी जगह है, चार पांच गाड़ियां हैं। अब हम लोग बैठने लगे हैं साइक्लोन पे। साइक्लोन जो है ये गोल गोल घूमेगा, सो अब करते हैं साइक्लोन की राइड। This is nothing for us.
अच्छा बॉयज, साइक्लोन पे ज़रा भी नहीं मज़ा आया, बस गोल गोल घुमा था, मुझे तो चक्कर ही आया है। मुझे मज़ा आ चुका है रोलर कोस्टर पे और एयर ड्रॉप के ऊपर, अब देखते हैं कोई और झूला। तो बहुत डेंजरस है, टू डेंजरस। ओए होए होए, ये तो उल्टा सीधा कर रहे हैं लोगों को। ओए होए होए, मेरा बहुत दिल है इस पे बैठने का। रोलर कोस्टर खतरनाक ना जी, ये डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। हैं हैं, डेंजरस नहीं है? डेंजरस नहीं बिल्कुल भी, पक्की बात है। हाँ, मज़े की है, हाइट पे जाती है, ऐसा सीनरी नज़र आती है, लेकिन डेंजरस नहीं है। ये जो एक सेकंड में झटका है ना इसका। अच्छा बॉयज, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं इसकी राइड लेने जा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। और अब अल्लाह खैर ही करे, ये लोग तो सब कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, आपने राइड को करना है एंजॉय। तो अब मैं एंजॉय करने के लिए बैठ चुका हूँ और अब देखते हैं क्या सीन है। गाइस बहुत हाइट पे आ गए, इट्स टू डेंजरस। वैसे आप हाइट देख सकते हैं, अभी इन्होंने हमें हाइट पे कर दिया, तो नीचे वाले जो हैं उनको सेट कर रहे हैं या उतार रहे हैं, पता नहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ, नीचे वालों को भी उतार रहे हैं और हम लोग ऊपर वेट कर रहे हैं। मुझे ये लोग कह रहे थे कि लेडीज़ बैठ रही हैं, इतने सारे जो एजेड लोग हैं वो बैठ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बैठ सकते, आप भी बैठें। या अल्लाह, खैर खैरियत से राइड करवा दे। राइड स्टार्ट हो चुकी है बॉयज। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, या अल्लाह, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। ओ ओ ओ ओ, टू डेंजरस, टू डेंजरस। बस टू डेंजरस, इट्स नॉट इजी राइड, सीरियसली। Oh, it's not an easy ride. Finally over. Yeah. Oh, भाई जान, इस पर तो बैठ के चक्कर आ गए हैं, लेकिन था मज़े का, डेंजरस था, पसीने भी मुझे तो आना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर लगा है सीरियसली। ऊपर जाके बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाइट है, झूले हैं, खुदा ना खास्ता गिर जाएँ तो बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन फिलहाल इंजॉय करने आया, इंजॉय किया, मज़ा आया, लेकिन डर भी ज़्यादा लगा है। हर जगह पे लाइट्स ऑन हो गई हैं, रौनक भी हो गई है, लोग भी बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें जी, रात के टाइम का व्यू एडवेंचर लैंड का, कितनी प्यारी यहाँ पे लाइटिंग हो गई है, हर जगह पर बहुत खूबसूरत लाइट्स है। जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, एडवेंचर लैंड से बाहर आ चुके हैं और यहाँ से आप इसका व्यू चेक करें। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जी किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।